हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ वर्मा। आप देख रहे हैं सौरभ ब्लॉग्स। आप सभी को मेरे चैनल सौरभ ब्लॉग्स में स्वागत है। और मेरे चैनल सौरभ ब्लॉग्स को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आज जैसा कि मैंने कल बताया था कि हर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों को रूबरू कराता रहूँगा, तो आज फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ आप लोगों को एक ऐसी जगह लाया हुआ हूँ जो धार्मिक स्थल ही है और उन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी एक मंदिर, इस स्थान का नाम है देवकली। ये आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये मंदिर के बाहर की लोकेशन है, ये सब मंदिर के बाहर की लोकेशन है। और मंदिर आने के लिए अब मैं आप लोगों को एड्रेस बता रहा हूँ। जैसे ही आप लखीमपुर से गोला गोकर्णनाथ की तरफ प्रस्थान करेंगे तो बीच में एक देवकली पड़ती है, देवकली स्टेशन। तो वहीं से लगभग 3 किलोमीटर दूर पे ही मंदिर स्थापित है और सीधा रास्ता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा आ सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ है मंदिर के बारे में, कुछ खास जानकारियां आप लोगों को बताते हैं, कुछ अनसुलझे तथ्य आज उजागर करेंगे आप लोगों के सामने। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यही मंदिर है, ये मंदिर है देवकली के भोलेनाथ बाबा जी का। तो इसकी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा हुआ था, एक राजा थे महाभारत काल के, राजा थे परीक्षित। तो उनको सर्प ने डस लिया था, तो सर्प के काटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो उनके पुत्र थे जनमेजय, तो वो बहुत क्रोध में आ गए। तो फिर उन्होंने एक यज्ञ किया, सर्पायज्ञ, और जिसको जनमेजय का नाग यज्ञ भी कहते हैं। तो उन्होंने जब यज्ञ किया तो जितने सारे सर्प थे वो हवन कुंड में, जो यज्ञ कुंड था उसी में आकर के गिर रहे थे। एक सर्प ऐसा था जो इंद्र के सिंहासन से लिपट गया था। उसको बताया जाता है जब हवन में आहुति दी जा रही थी तो वो इंद्र का सिंहासन समेत नीचे आ रहा था, उनका सिंहासन भी हिल रहा था। इससे देवताओं ने उनसे विनती की, प्रार्थना की कि जो है यज्ञ को बंद किया जाए। फिर भी बंद यज्ञ तो बंद हो गया, लेकिन जो भी सर्प बचे उन्हीं की वजह से आज हम लोगों को अगल बगल देखने को मिलते हैं। आसपास जितने भी जंगल या कहीं सर्प दिखते हैं तो वही उन्हीं की वजह से, जो यज्ञ बंद कर दिया गया था देवताओं की प्रार्थना के द्वारा। उन्होंने विनती की राजा जी से कि ऐसे तो इंद्र का सिंहासन भी खिंचा आ जाएगा, तो इसलिए आओ अंदर चलते हैं। ये रही मंदिर के बारे में जानकारी, अब आप लोगों को अंदर दिखाते हैं अंदर क्या कुछ है मंदिर में, और भगवान जी के दर्शन करते हैं शिव जी के। ये देखिए, मंदिर के बाहर एक कुंड बना हुआ है, तालाब टाइप का, ये देख सकते हैं आप लोग। ये पूरा तो सभी फ्रेंड्स, आप लोग जब भी आइए, अगर गोला गोकर्णनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं तो एक बार यहाँ भी आइए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और ये मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ जो भी आप मनोकामना अपनी इच्छा करते हैं अपने मन से तो यहाँ ज़रूर पूरी होगी। आप लोग आइए देखिए। अब चलते हैं, आप लोगों को मंदिर के अंदर की जानकारी देते हैं। और भगवान भोलेनाथ जी का यहाँ शिवलिंग स्थापित है, तो वो स्वयंभू हैं, स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। आओ उनके दर्शन कराते हैं आप सभी लोगों को। ये देख सकते हैं चारों तरफ, यहाँ मंदिर के बाहर का व्यू है, ये चारों तरफ। ये मंदिर है। आइए भाई, अभी जो अंदर स्वामी जी हैं, संत हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, अगर वीडियो बनाने की अनुमति देते हैं तो अंदर आप लोगों को जरूर दर्शन कराते हैं शिव जी के। और आइए चलते हैं अंदर देखते हैं।
ये देखो संत जी हैं यहाँ जो विराजमान रहते हैं, यही सेवा करते हैं। और ये मंदिर का प्रांगण है। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ शिव जो जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाया था, सर्पा यज्ञ भी बोलते हैं। तो ये देखिए, पूरे जो शिवलिंग है उसके चारों तरफ सर्प ही सर्प बने हुए हैं, ये देख सकते हैं। देख लीजिए चारों तरफ, बहुत प्यारा व्यू है मंदिर का। और ऐसा माना जाता है पुराणिक जो भी घटनाएं होती हैं उनके साक्ष्य आज भी हैं। अगर महसूस किया जाए तभी आप उनको जान पाओगे, वरना आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। ये देखिए, हम मंदिर के अंदर चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं भगवान शंकर जी के। ये अंदर का मंदिर, ये देख सकते हैं, ये मंदिर के चारों तरफ का व्यू है और ये मेन मंदिर है। आओ आप लोगों को दर्शन कराते हैं भगवान शिव जी के। जय देव कलीनाथ धाम बाबा की जय। जय हो बाबा भोलेनाथ। ये देख सकते हैं बहुत प्राचीन कालीन मूर्तियां भी इसमें, देखो ये मूर्तियां हैं, ये हमें तो नहीं लगता आज के युग की हैं, ये बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं। इससे पता चलता है ये मंदिर बहुत पुराना है और आदिकालों से जो है इसके साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। और आप सभी लोग मंदिर के अंदर देख सकते हैं, ये बाबा जी का शिवलिंग है। आप सभी लोग दर्शन करिए, आप लोगों की वजह से जो है मैं भी दर्शन कर रहा हूँ। ये मंदिर के चारों तरफ का व्यू है, आप देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ। ये देख सकते हैं आप सब लोग मंदिर के चारों तरफ। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, तो जरूर आइए। देखो जिंदगी एक बार मिलती है और दोबारा नहीं मिलती, ये सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए जिससे ऊपर जाने के बाद ईश्वर भी आपको अपने शरण में लेने का जो है इच्छा करे कि हाँ जो है तुमने काम अच्छे किए हैं। ये देखिए, ये यहाँ संत हैं, पुजारी जी, ये आप बोल दीजिए, आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे। प्राचीन कालीन प्राचीन है, राजा देवक की पुत्री के नाम से तीर्थ है यहाँ। अच्छा, फिर ये जो मैंने सुना है जन्मेजय का नाम, फिर उसके बाद परीक्षित की जब सर्फ काटे थे राजा परीक्षित ने सर्फा यज्ञ यहाँ करी नहीं। नाग पंचमी बहुत भयंकर मेला लगा था, मेला तो हर अम्बाव से लगते है। अच्छा अच्छा, नाग पंचमी बहुत सुमारा ही नहीं रहा मेला तो इसके बहुत, हमें लग रहा है आज प्राचीन काल से यहाँ जो प्राचीन काल से अंदर जो मूर्तियां बनी है साइड दीवार में वो तो बहुत प्राचीन लग रही है, प्राचीनी है। औरंगजेब आवा रहा है तो दो मूर्ति कटाई रहा है, तीन मंदिर रहे हैं। अच्छा अच्छा, दो कटाई रहा है, जब खून निकला है तो इसका ना कटाई पड़ी थी। अच्छा, एक नई जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं, बाबा जी का कहना है कि यहाँ जो मुगल शासक था औरंगजेब, तो उसने यहाँ मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की, तो जो मूर्तियां हैं दो मूर्तियां उसने कटाने की कोशिश की, और दिखाते हैं आप लोगों को, मूर्तियों पे आरा चलवाया गया है लेकिन वो काट नहीं पाया, उससे जो है खून बाहर निकलने लगा। ये देखिए, ये खंडित कर दिए थे, ये मूर्तियां खंडित करने की कोशिश की गई। ये देखिए आप लोगों को, ये देखिए ये आरा चला है, ये देखिए ये निशान बना है पूरा, ये इस पे भी चला है। इधर साइड में काट दिए, ये देखो ये साइड में कटा हुआ है और आगे दीवार में लगे हैं, देखो। तो आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ अनसुलझे रहस्यमय तथ्य आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और आप लोग मेरे चैनल सौरभ ब्लॉग्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हर एक नई जानकारी के साथ
हर एक दिन न्यू ब्लॉक के साथ आप लोगों को मिलता रहूंगा। आइए आगे बाबा जी क्या दिखा रहे हैं वो भी देखते हैं। आगे कुछ और मूर्तियां हैं, इधर को यहां मूर्ति ये वाला लाल वाला, अच्छा ये उन्हीं का लिखा है। ये देखिए जन्मेजय के द्वारा लिखा हुआ मंत्र है, यहीं पे लिखा हुआ है जो जन्मेजय थे। वो दो मंत्र पढ़ दे, ओम शेष नंगाय नमः, ओम अस्तिकाय नमः। इससे क्या होता है? अच्छा एक और नई जानकारी, ये जो मंत्र लिखे हुए हैं इनको पढ़ने से बताया जाता है आप लोगों को, कहीं भी अगर सर्प दिखता है तो वो वापस चला जाएगा। ओम शेष नंगाय नमः, ओम अस्तिकाय नमः। तो आप लोगों को नई नई जानकारी दे रहा हूँ। और ये देखिए मंदिर के चारों तरफ का व्यू, चलते हैं दोस्तों। अब ब्लॉग बड़ा हो रहा है इसीलिए अब एंड करते हैं यहीं पे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल सौरभ ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हर एक दिन न्यू जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और यूँ ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।